हिस्ट्री ऑफ झालावाड़। हिस्ट्री ऑफ झालावाड़ के अंदर अपन देखेंगे झाला डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती है। और झालावाड़ के अंदर पहला रूलर था इनका मदन सिंह। मदन सिंह जो कि ग्रैंड सन था किसका, जालिम सिंह झाला का ग्रैंड सन था। 1837 के अंदर आफ्टर सेपरेट फ्रॉम कोटा, कोटा से 1837 के अंदर अलग हो गया था और उसने इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश हुआ झालावाड़ स्टेट। 1838 के अंदर ब्रिटिश कन्फर्म करते हैं झालावाड़ स्टेट को और कैपिटल बनाते हैं झालरापाटन के अंदर, सिटी ऑफ बेल्स जिसे कहते हैं, लोकेटेड नियर द चंद्रभागा के पास में। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह ये सेटअप करता है वुडन प्लेस इन झालावाड़ के अंदर। ही गोट ओपन ऑल टेम्पल्स ऑफ झालावाड़ फॉर हरिजन के लिए, सारे टेम्पल्स को ओपन कर देता है। प्रिंसली स्टेट इस्टेब्लिश बाई ब्रिटिश इन राजस्थान है धौलपुर टोंक और झालावाड़। प्रिंसली स्टेट ये राजस्थान के अंदर इनके अंग्रेजों के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी और न्यू वेस्ट है इसके अंदर झालावाड़। ठीक है, तो अपन ने इसके अंदर पढ़ा कि झाला डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती है झालावाड़ के अंदर और पहला किंग था मदन सिंह। मदन सिंह के समय जो कि ग्रैंड सन था किसका, ग्रैंड सिंह था जालिम सिंह झाला का, ये ग्रैंड सन था। और 1837 के अंदर आफ्टर सेपरेटेड फ्रॉम कोटा, कोटा से सेपरेट हो जाते हैं और एक झालावाड़ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं। ठीक है, फिर 1838 के अंदर ब्रिटिशर्स कन्फर्म करते हैं झालावाड़ स्टेट को। ठीक है, और इसकी कैपिटल बनती है झालरापाटन, झालरापाटन इसकी कैपिटल होती है जिसे अपन सिटी ऑफ बेल्स भी बोलते हैं, सिटी ऑफ बेल्स ही बोलते हैं। और ये चंद्रभागा नियर चंद्रभागा रिवर के पास में है, चंद्रभागा रिवर के पास में है। फिर आता है राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह जो कि सेटअप करता है वुडन प्लेस झालावाड़ के अंदर। और ही गोट ओपन ऑल टेम्पल्स ऑफ झालावाड़ फॉर हरिजन, हरिजन के लिए टेम्पल्स खोल देते हैं सारे हरिजन के लिए। प्रिंसली स्टेट जो कि बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा वो हैं सबसे पहले धौलपुर, धौलपुर के बाद में बनाया टोंक, टोंक के बाद में झालावाड़, झालावाड़ जो कि है न्यूवेस्ट प्रिंसली स्टेट है जो कि बनाया गया था में इनके द्वारा। फिर आता है अभी हिस्ट्री ऑफ आमेर, हिस्ट्री ऑफ आमेर, हिस्ट्री ऑफ आमेर के अंदर क्या है कि जैसे कि कछवा डायनेस्टी, कछवा डायनेस्टी रूल करती है ओवर आमेर के ऊपर, आमेर के ऊपर। एंड कछवा डायनेस्टी ऑफ लॉर्ड रामा, कछवा जो कि डिसेंडेंट माना जाता है लॉर्ड रामा के। और सो दे वर नोन एज रघुवंशी, रघुवंशी तिलक भी कहा जाता है उनको। अर्लियर मीना डायनेस्टी जो कि रूल करती थी आमेर के ऊपर और सबसे पहला रूलर आता दुलह राय। ठीक है, दुलह राय एक्चुअल नेम इसका था जयकरण, तेज करण इसका एक्चुअल नेम था। 1137 के अंदर ये ही कम टू राजस्थान फ्रॉम नरवर, नरवर एमपी से राजस्थान के अंदर आता है। आफ्टर डिफीटिंग बड़गुजस जो कि कैप्चर किया दौसा को, दौसा को कैप्चर किया। आफ्टर डिफीटिंग मीना कैप्चर किया इसने रामगढ़ को। ही गोट कंस्ट्रक्टेड जमवाई माता टेम्पल रामगढ़ के अंदर और सो रामगढ़ इज नोन एज जमवाई रामगढ़ जाना जाता है। जमवाई माता जो कि क्लैन डायनेटी है कछुआओं की, कछुआओं की क्लैन डायटी है। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ आमेर, हिस्ट्री ऑफ आमेर, कछुआ डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती है, रूल करती है आमेर के अंदर, आमेर के अंदर। कछुआ के जो डिसेंडेंट थे वो लॉर्ड रामा के, लॉर्ड रामा के डिसेंडेंट माना जाते हैं। और ये रघु वंश तिलक, रघुवंश तिलक। अर्लियर मीना डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती, मीना डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी ओवर आमेर के ऊपर। एंड दुलेराई, दुलेराई जो कि एंशेंट नेम है, एंशेंट नेम है, एंशेंट नेम है किसका, तेज करण का, तेज करण का एंशेंट नेम है। और 1137 के अंदर, 1137 के अंदर ही कम टू राजस्थान फ्रॉम नरवर एमपी, नरवर एमपी से राजस्थान के अंदर आए थे। आफ्टर डिफीटिंग बड़गुजस, बड़गुजस को हरा के, गुहा हराने के बाद में कैप्चर कर लिया था दोसा को, दोसा को कैप्चर कर लिया था। और आफ्टर डिफीटिंग मीना, मीनाओं को डिफीट करने के बाद में इसने कैप्चर कर लिया था रामगढ़, रामगढ़ ही कंस्ट्रक्ट करवाता है यहाँ पे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाता है जमवाई, जमवाई माता टेम्पल बनाता है रामगढ़ के अंदर। ठीक है, और रामगढ़ इज नोन एज जमवाई रामगढ़, और उसके बाद में जमवाई रामगढ़ जाना जाने लगा। ठीक है, और फिर जमवाई माता, जमवाई माता जो कि क्लैन डायनेटी है, क्लैन
क्लेन डाइटी है कछुआओं की। कछुआ की क्लेन डाइटी है ये जमुआई माता। अब आता है अपने काकिल देव। काकिल देव जो कि 1207 के अंदर आफ्टर डिफीटिंग मीना कैप्चर करता है आमेर को, और फिर आता है बारमल। बारमल 1562 के अंदर कैप्चर करता है सुपरमेसी ऑफ अकबर, एक्सेप्ट करता है सुपरमेसी ऑफ अकबर। अकबर वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट, अकबर वाज पहला प्रिंसली स्टेट था और राजस्थान आमेर का, जो कि एक्सेप्ट करता है सुपरमेसी मुगल्स की, और मैरिड करता है अपनी डॉक्टर हरकाबाई की अकबर के साथ में, और सांबर एट सांबर सामर पे। फिर आता भगवान दास। भगवान दास के समय ये सप्रेस करता है रिवोल्ट मिर्जा में, सप्रेस करता है मिर्जा रिवोल्ट सरनाल के अंदर। अकबर ऑनर्ड करता है बाई गिविंग देम फ्लैग और नगाड़ा के साथ में, वो देखे और उसको ऑनर करता है। फिर आता है मान सिंह। तो इसे अपन पहले देख लेते हैं। अपन आता है काकिल देव। काकिल देव के समय 1207 के अंदर क्या हुआ कि आफ्टर डिफीटिंग मीना, मीनाओं को डिफीट करने के बाद में ये कैप्चर कर लेता है आमेर को, आमेर को कैप्चर कर लेता है। फिर आता है बारमल। बारमल 1562 के अंदर ये एक्सेप्ट करता है सुपरमेसी किसकी, मुगल अकबर की। ये सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लेता है और पहला प्रिंसली स्टेट था जिसने मुगल की सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर अपनी बेटी हरकाबाई, अपनी बेटी हरकाबाई की ये शादी कर देता है किसके साथ में, से अकबर के साथ में शादी कर देता है सांबर पे। सांबर पे फिर इसके बाद में आता है भगवान दास। भगवान दास, भगवान दास जो कि सप्रेस करता है मिर्जा मिर्जा रिवोल्ट को, और इन सारमल सारनल के सारनाल के अंदर। और अकबर, अकबर ऑनर करता है किसको, बाय गिविंग देम फ्लैग और नगाड़ा। फ्लैग और नगाड़ा देकर, फ्लैग एंड नगाड़ा देकर अकबर इसको ऑनर करता है। इसके बाद में आता है मान सिंह। मान सिंह, मान सिंह जो है ये कोरोनेट करता है अकबर को। ऑन हिज कोरोनेशन अकबर मेड हिम मनसबदार, 5,000 का मनसबदार बनाता है और इसको इंक्रीज कर देता है 7,000 पे 1605 के अंदर। अकबर अपॉइंट करता है इसको गवर्नर ऑफ काबुल, बंगाल और बिहार का, ठीक है। और झाड़साई आमिर, झाड़साई कोइन चलाए आमिर के द्वारा, झाड़साई कोइन चलाए जाते हैं, ठीक है। झाड़ ज़्यादा थे यहाँ पे, ठीक है। वाइट फ्लैग था अर्लियर इसके, जो वाइट फ्लैग के अंदर जो था आमिर के वाइट फ्लैग के अंदर झाड़ था, इसलिए झाड़साई यहाँ पे चलाए जाते हैं। और पंचरंगा, पंचरंगा फ्लैग भी था इनका, ठीक है। एयर स्ट्राइक फर्स्ट टाइम पे, एयर स्ट्राइक फर्स्ट फर्स्ट डन बाई मान सिंह ऑन बालाकोट, बालाकोट के ऊपर। और ही फाउंडेड अकबर, अकबर नगर बंगाल के अंदर अकबर नगर बनाया, और प्रेजेंटली जो कि नो राजमहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसने डिफीट किया था किंग ऑफ ईस्टर्न बंगाल केदार को, और ब्रॉड करती है वहाँ से आइडल्स लेकर आता शिला माता का एंड वहाँ से, और प्लेस करता है उसको आमेर पैलेस के अंदर। शिला माता जो कि टोटली डाइटी है इसके कछुआओं की, ठीक है, आमेर की। ही फाउंडेड मनपुर इन बिहार, मनपुर यानी, और ये कंस्ट्रक्टेड करता है प्लेस ऑफ आमेर, आमेर को कंस्ट्रक्ट करता है ये, ठीक है। फिर आता है मान सिंह। मान सिंह, मान सिंह 1579 निवासी से लेकर 1614 तक ये राज करता है, और ये ऑन इसके कोरोनेशन के समय, इसके कोरोनेशन के समय क्या हुआ, अकबर के कोरोनेशन के समय इसको 5,000 का मनसबदार बनाता है, पर बाद में 1605 के अंदर इसको इंक्रीज करके 7,000 का मनसबदार कर देता है। इसको काबुल, काबुल बंगाल और बिहार का, काबुल बंगाल और बिहार का गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये आमेर के जो कोइन चला लेते हैं वो उसको बोलते थे अपन झाड़साई, झाड़साई जो आमेर का जो फ्लैग होता था उसके अंदर भी झाड़ होता था, ठीक है। और पंचरंगा फ्लैग भी होता था इनका। एयर स्ट्राइक करता है बालाकोट के अंदर, डन बाई मान सिंह ऑन बालाकोट। ये फाउंडेड करता है अकबर नगर, अकबर नगर बसाता है कहाँ पे, बंगाल के अंदर, जो कि अभी किसके नाम से जानता है, राजमहल के नाम से जाना जाता है, राजमहल के नाम से जाना जाता है। ये डिफीट करता है, ये डिफीट करता है ईस्टर्न बंगाल के केदार को हराता है, और वहाँ से शिला माता का आइडियल लेके आता है अपने आमेर फोर्ट के अंदर। आमेर फोर्ट के अंदर वो शिला माता का आइडियल लेके आता है, और यहाँ पे आमेर पैलेस में लगवाता है। शिला माता इनकी ट्यूटेलरी डाइटी है।
डाइटी है कछुआ, और कछुआ डायनेस्टी की, और जो कि ये फाउंड करता है मानपुर ये सिटी बनाता है बिहार के अंदर मानपुर सिटी बनाता है, और ये कंस्ट्रक्ट करता है प्लेसेस, कंस्ट्रक्टेड प्लेसेस इन आमेर, आमेर के अंदर प्लेसेस बनवाता है। ठीक है, कंट्रोल ऑन काबुल बाय मुगल्स ओनली ड्यूरिंग अकबर और औरंगजेब। काबुल के ऊपर जो कंट्रोल था मुगल्स का, वो अकबर और औरंगजेब के समय था।